जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। ये वीडियो मेरा रॉयल सोल्जर चैनल के लिए है। हाल ही में कंट्रोवर्सी चली हुई थी उस चैनल के साथ, तो मैं सारी चीज़ें पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या बैकग्राउंड है, लेकिन आज मैं स्पेशल जो इन लोगों को ये गलतफहमी है, जो सस्ते घास फूस फूक के कुछ भी बकवासबाजी किए जा रहे हैं कि वो व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाते हैं या फिर पैसे के लिए जो वीडियोज़ बनाते हैं, आज मैं तुम्हें उस चैनल का पूरा स्टैट बताता हूँ कि वो कितना पैसा यूट्यूब से कमाते हैं, क्या सच में वो पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं या सच में वो अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते हैं या सच में वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं जो नीड में है या जिनके साथ कोई भी अत्याचार होता है या वो एक सोशल एक्टिविस्ट है या फिर वो पैसे के लिए काम करते हैं। वो सारी चीज़ें ना मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलूँगा, मैं सारे स्टैट्स आपको चेक कराऊँगा, उनके मोस्ट व्यूज़ वीडियोज़ भी दिखाऊँगा और उन पर कितना मोनेटाइजेशन उन्होंने ऑन कर रखा या नहीं, वो सारी चीज़ें आज हम दो लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टैट्स चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि रॉयल सोल्जर चैनल कितने पैसे कमाता है, कितने सब्सक्राइबर है, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ डैशबोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी वो वीडियोज़ देखेंगे जो मोस्ट व्यूड है, जो सबसे ज़्यादा बारी देखी गई है। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। थोड़ा वीडियो लंबा होगा यार, पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई चैनल को भी। ये देखिए डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे, ये इनकी वीडियोज़ हैं जो अभी रिसेंटली इन्होंने अपडेट करी है। हम मोस्ट व्यूड को देखने वाले हैं कि उन पर कितने व्यूज़ हैं, यहाँ पे आ गया है। यस, तो अब देखिए सोचने वाली और समझने वाली जो बात है, ये वीडियो है सबसे ज़्यादा बार ही देखा गया, 68 लाख व्यूज़ हैं इसके ऊपर और मोनेटाइजेशन ऑफ है। अब जिनको व्यूज़ का पता है, जिनको CPM CPC पता है और RPM पता होता है ना, वो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस ये वीडियो कितना पैसा कमा सकता था और इस चैनल ने कितना लॉस किया है। ठीक है, एक ये वीडियो है, एक सुशांत सिंह राजपूत वाला वीडियो देख लीजिए यहाँ पे, ये प्राइवेट वीडियो भी है देख लेना, यहाँ पे ये प्राइवेट हो चुका है, अगर ये चाहते तो उसको पब्लिक रखते और पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते थे। ये वीडियो यहाँ पे देखेंगे, पुलिस वाला ये भी प्राइवेट है, 19 लाख इस पे, 28 लाख इस पे, 7-8 दिन के अंदर भी आए थे ये व्यूज इनके ऊपर। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सुशांत सिंह राजपूत का दूसरा वीडियो, ठीक है, जो स्टीव हप वाला था, यहाँ पे देखेंगे ये भी प्राइवेट है। तो अब हम इनके ना स्टैट चेक कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर आ रही है, ये उनका डॉग का वीडियो बनाया उन्होंने खुद, ये उनका मोनेटाइज किया हुआ है। तो अब चेकआउट करते हैं इस वाले वीडियो को कि इस पे कितना पैसा इन्होंने कमाया। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कुछ चीजें, वीडियो को लाइक करते रहना भाई, चैनल को भी शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके स्टैट पे, चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ है, आपको टाइम भी दिख रहा है और अभी लास्ट 28 डेज के व्यूज भी दिख रहे होंगे और उसकी अर्निंग भी दिख रही होगी। ये यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिक है, ये इनको नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से मोनेटाइजेशन ऑफ किया हुआ है। कोई ब्रांड प्रमोटिंग नहीं है, कोई व्यूज का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पैसे का कोई मतलब पैसे से जरा सा भी लालच नहीं है, लेकिन कुछ लोग सस्ते घास फूस फूक के कुछ भी बक रहे हैं। अब यार उनकी तो उनको तो मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, बाबाओं से मिलाओ, अच्छा इलाज करते हैं आजकल। ठीक है, ये इसका एनालिटिक्स है, चेकआउट करते रहिए, इसको देखते रहिए, मैं इसको दिखाता रहूंगा आपको। देखिए RPM 0.01, यहीं से पता चल जाता है कि इस वीडियो ने एक भी पैसा नहीं कमाया। दिस इज अ थिंग जो मैं भी आपसे पहले डिस्कस करता था, RPM। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपको दिख गया लास्ट 28 डेज का और अभी लाइफ टाइम भी दिखेगा इसका, नो डेटा क्योंकि है ही नहीं, तो डेटा आएगा कहाँ से, देख लीजिए यहाँ पे, ये सारी अप्रैल का देख लीजिए, ये ऑटोमेटिक है, ये देख लीजिए यहाँ पे, और ये दिसंबर का देख लीजिए 2020। ओके, तो आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू दिख रहा है अभिनंदन वाली वीडियो का, यहाँ पे ये वाली वीडियो मोनेटाइजेशन ऑफ है, कोई पैसे कमाने का कोई लालच नहीं है इन बंदों को, इन्हें ये जो वीडियोस बनाते हैं पैसे के लिए नहीं बनाते हैं, इनका जो मेन पर्पज होता है, इनका मेन पर्पज होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। नो ब्रांड प्रमोटिंग है, कोई एड प्रमोट नहीं करते हैं, ना व्यूज का कोई लालच है, ना कोई पैसे का कोई लालच है। मैं आपको स्टैट दिखा रहा हूँ, लाइव स्टैट दिख रहा है, ये कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है कि भाई एडिटिंग वीडियो आपको दिख रहा है, ये प्लेयर में चल रही है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड होके आया है, ये प्लेयर में चल रही है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए। ये सुशांत सिंह वाला, ये देखिए, ये जो एक अफवाह फैली थी स्टीव हफवाली, अब क्या हुआ था कि ये थोड़ा भावनाओं में बह गए और बना दिया वीडियो, लेकिन इनको बाद में पता चला कि ये बंदा गलत चीज फैला रहा है, तो इन्होंने इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। यहां पे देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, 28 लाख व्यूज है, 28 लाख व्यूज में बहुत पैसा कमा सकती थी, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑफ है और अभी के लिए वीडियो प्राइवेट है। तो इससे पता चल जाता है बंदे की डिग्निटी, बंदे की रेपुटेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ ऑनर कितना बड़ा है। और इन्होंने इसको फिर एक्सपोज भी किया था इस बंदे को,
और उसके बाद इन्होंने कन्फेशन भी किया था, सॉरी बोला कि भाई मैं भावनाओं में बहके मैंने गलत वीडियो बना दिया, और इन्होंने इस वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया। अब आप इसमें देखिए आगे की इसका स्टेट भी चेक कर लीजिए कि इसका क्या स्टेट है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है आपको, सब चीजें लाइव है, ताकि किसी को कोई ये गलत फहमी ना रहे कि भाई रॉयल सोल्जर जो चैनल है, जो उस पर वीडियोज बनाते हैं, जो उसका ऑनर है, जो जिसने उस चैनल को बनाया है, वो बंदे पैसे के लिए आते हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने आपकी स्क्रीन चल रही है, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट, जीरो दिख रहा है सब कुछ, ठीक है भाई, सारी चीजें। अब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने वाला है यहाँ पे, ये देख लीजिए दूसरा वीडियो आ गया, उसमें ये देख लीजिए इसका, इसका भी रियल टाइम व्यूज आपको दिख रहे होंगे, पैसे भी दिख रहे होंगे आपको कि इसने कितने पैसे कमाए, यहाँ पे सब चीजें लाइफ टाइम पे आ जाओ। अब देख लो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा भाई, पेशेंस रखिए और चीजों को देखिए कि किस तरीके से एक ऐसे इंसान के लिए अफवाह फैलाई जा रही है, जो समाज में हो रहे उल्टे सीधे काम, जो देश में जवानों के साथ जो अत्याचार होता है, जो ऑफिसर्स ग्रेड वाले जो भी एक्सवाइजेड चीजें होती है उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए उनपे किस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वो मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये स्वागत वाली वीडियोज बनाते थे, बड़ी गंदी वीडियोज बनाते, देखिए यूट्यूब पे सब लोग देखते हैं, हमारी माता बहने भी वीडियो देखती है, ये बात इनको बुरी लगी, इन्होंने इसको काउंटर किया, बाद में इस वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन मोनेटाइजेशन इस पे भी ऑफ है, 19 लाख समथिंग इसके ऊपर भी व्यूज थे लेकिन मोनेटाइजेशन ऑफ है। बंदे कहते हैं कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज में गलत चीजें नहीं फैलनी चाहिए, मुझे उससे प्रॉब्लम है, देश में कुछ भी एंटी नेशनलिस्ट नहीं चलना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं चलनी चाहिए जिससे युवाओं पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आए, इसलिए इसके खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो प्राइवेट रखा, मोनेटाइजेशन भी ऑफ रखा। अब आप देख लीजिए इसको, अब यार ऐसे चैनल के खिलाफ अगर आवाज उठाई जाए, ऐसे चैनल पे एलिगेशन लगाया जाए कि भाई ये तो व्यूज के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, अब आपको दिख ही रहा होगा, अगर व्यूज से उन्हें कोई मतलब होता तो वो वीडियो को प्राइवेट नहीं करते, और पैसे से अगर कोई मतलब होता तो मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं करते, दोनों चीजों का सही जवाब आपको मिल गया। ऐसे चैनल के खिलाफ आवाज उठाना, भाई मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही सस्ते घास फूस फूंक दिए, क्वालिटी लो यूज कर रहे हैं आजकल लोग, क्वालिटी अच्छी करते तो थोड़ा दिमाग रहता कि क्या करना क्या नहीं। ये देखिए ये बहुत ज्यादा चला था ट्रेंडिंग में, ये वीडियो भी चला था, इसमें भी ऑफ रखा इन्होंने, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, बाद में इसको भी वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया गया था, क्योंकि वो चीज मैं देख लीजिए यहाँ पे वीडियो प्राइवेट है, अर्निंग देख लीजिए इस वीडियो पे, क्योंकि यार कुछ भी झूठ नहीं है यार, उस बंदे को जरूरत नहीं है यार यूट्यूब से पैसे की, भाई फैमिली बैकग्राउंड बहुत गजब है उसका यार, मैं पहले ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा जो पहली वाली वीडियो थी, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको ये दिख रही है कि यार देखिए ये वीडियो भी प्राइवेट है, सुशांत वाला भी वीडियो प्राइवेट कर रखा है, क्या है कि ये देखिए ये सारे वीडियोज प्राइवेट कर रखे हैं, मोनेटाइजेशन भले ही ऑन है लेकिन अब ये वीडियो प्राइवेट हो गए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर जब ये वीडियोस प्राइवेट है तो इन पे तो कोई अर्निंग आएगी नहीं भाई, सीधी सी बात, अगर वीडियो प्राइवेट है, अब देखिए ये वीडियो प्राइवेट है 6 लाख व्यूज का, 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 यार भाई साहब आप समझिए ना, 6 6 6 6 कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 30 लाख व्यूज को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, और यहां तो मोनेटाइजेशन ही ऑफ है, क्योंकि वो अलग ही चीज है यार, उनका अलग सिस्टम है भाई, उन्हें पैसे नहीं चाहिए यार भाई, वो उनका बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, उन्हें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग भाई सस्ता घास फूस इतना फूंक दिए हैं कि बात ही सर से ऊपर चली गई है, क्या करें भाई। तो भाई जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी रॉयल सोल्जर फैमिली है, जितने हमारा फैमिली है भाई, भाई आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें और इन सब चीजों से थोड़ा बचें, ये गलत अफवाह फैलाने वाले हमारे देश में बहुत हो चुके हैं, सस्ता घास फूस फूकने वाले की तो संख्या भाई साहब मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए मिलते हैं। तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके का उनका स्टेट है, कितनी वो अर्निंग करते हैं। देखिए यार आपकी लाइफ है, सस्ता घास फूस जितना मर्जी है फूकना है फूकिए, हमारे देश में वैसे भी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है ऐसे लोगों की, लेकिन किसी के बारे में भी टिप्पणी करने से पहले एक दो बारी सोचो समझो कि वो बंदा है कौन, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो उसे कांटेक्ट करो कि भाई तुम करते क्या हो, ये बेकार की बीसी ना बिल्कुल मत फैलाइए। ये ना पता है क्या होता है, कई बार सामने वाला इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि वो काम करना ही बंद कर देता है, यार बेकार की चीज़ क्यों करे। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन जो सच में जिनकी हेल्प हो सकती है और उनकी हेल्प रुक जाती है, तो आप सस्ते घास फूस फूंक के कुछ भी मत करिए भाई, अगर तुम्हारी बस की है तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए भाई, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपनी राय हमें दीजिए, और किसी भाई को कोई हेल्प है जो हम कर सकते हैं, प्लीज़ यू कैन डिस्कस विद अस। जय श्री राम, हर हर महादेव।